लोगों को एक बार मौका तो देकर देखिए साहब, वे आपको बोतल की तरह बिखेर देने की हैसियत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 23 अप्रैल दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में ये भी बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। अगर आपकी भी मिथुन राशि है और आप भी जानना चाहते आज का संपूर्ण राशिफल, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, आज भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। आज की तिथि है पूर्णिमा। आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। सूर्योदय 5:47 AM, सूर्यास्त 6:52 PM। सूर्य राशि सूर्य मेष राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:46 PM। आज का चाणक्य विचार। इंसानों की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी गम के घने बादल छाए रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अच्छा और बुरा वक्त उसके कर्म पर निर्भर करता है। चाणक्य ने एक ऐसी चीज के बारे में जिक्र किया है जो व्यक्ति की समस्याओं की जड़ मानी जाती है, यहाँ तक कि गीता में भी इसका वर्णन है, जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस चीज का जितनी जल्दी त्याग कर दें उसमें ही भलाई है, ऐसा करने पर जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी। यस्य स्नेहो भयम् तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम्, स्नेह मूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम्। अर्थात मोह है समस्याओं की जड़। चाणक्य कहते हैं कि मोह लगाव सभी प्रकार के दुखों का स्रोत है। मोह व्यक्ति का ज्ञान बढ़ाता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। मोह के जाल में फंसकर व्यक्ति अंधा हो जाता है और वह गलत की जानकारी होने पर भी अनिष्ट करने से खुद को नहीं रोक पाता, यही उसके दुख का कारण बढ़ता है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वे अपने पुत्र को गलत काम करने से रोक नहीं सके और अंत में कुल का नाश हो गया। लक्ष्य से भटकाता है लगाव। मनुष्य जीवन में धन रिश्ते वासना आदि किसी भी चीज का अधिक लगाव व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते से भटका देता है और उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है, मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। गीता में कहा गया है कि काम क्रोध व लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं, इन्हें त्याग देने में ही भलाई है। दोस्तों, यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। परिवार में सुख शांति व धार्मिक माहौल बना रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आपके दिल दिमाग में एक से ज्यादा विचार एक साथ चलते रहेंगे। अविवाहितों के जीवन में आज प्रेम का प्रवेश हो सकता है, थोड़े सावधान रहें। लोगों की बातों में आकर खुद का नुकसान आप करवा सकते हैं। जरूरतमंद को भोजन कराएं, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। ओम वागदेवी वागीश्वरी नमः मंत्र का जप करें, व्यर्थ की चिंता ना करें, मन को आराम मिलेगा। वित्तीय परिणाम उम्मीद से कम हो सकते हैं और आपको इससे निपटना होगा। सोच समझ कर निवेश करें। यदि पैतृक संबंधी के संबंध में कोई संघर्ष है तो प्रयास करें और इसे सौहार्दपूर्वक तरीके से हल करें। काम से संबंधित यात्रा पर अमल कर सकते हैं। आज के दिन कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और आपको उन पर गर्व होगा। पारिवारिक परिवेश आनंददायक रहेगा। आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। आप मानसिक रूप से खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। किसी काम के लिए नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। बॉस आपके कामों की प्रशंसा कर सकते हैं। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में कोई अवार्ड मिल सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। भगवान शंकर को दूध चढ़ाएं, सबके साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आपकी कमाई बहुत बढ़ जाएगी और आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की होगी। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न आप रहेंगे। घर परिवार की जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें। बिजनेस में फायदा होने की उम्मीद है। आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ सकता है। संतान के विवाह की चिंता सता सकती है। आप कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन अंततः चीजें आपके पक्ष में होंगी। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए कदम उठाएं। निवेश करने के लिए आवेगी निर्णय ना लें। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई भी लंबित मामला है तो उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करें, यह आपकी संतुष्टि के लिए होगा। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। उत्तरार्ध में कार्य से संबंधित यात्रा नए अवसरों को खोलेगी। दोस्त और परिवार आसपास रैली करेंगे और आपका पूरा सहयोग भी देंगे। आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। कोई पुरानी बिजनेस डील आपको अचानक से लाभ दिलवा सकती है। आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आज आपको समाज के कुछ अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आप किसी सहकारी संस्था के काम में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपको उस काम के लिए कोई सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। किसी घरेलू काम के लिए आज आप पूरे परिवार के साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। सब लोग आपकी बातों से सहमत भी होंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। कुत्ते को रोटी खिलाएं, दिन और भी अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वाले आज ऊंचे स्तर पर रहेंगे। आपका व्यापार बहुत ही तेजी से चलेगा और आगे ही बढ़ेगा।
इसी के साथ आज पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। दैनिक जीवन में खुशियां खुशियां आने वाली हैं। कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, आपके कुछ काम रुक सकते हैं। आज गलत फहमियां आप दूर करेंगे और संबंधों में ताजगी लाने की कोशिश भी करेंगे। आज आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, किंतु यदि आप आर्थिक लाभ हेतु आसान तरीकों की तलाश करते हैं तो आप केवल बुरे परिवर्तनों को आमंत्रित कर रहे हैं। व्यापारिक गतिविधियों से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग दोषपूर्ण है तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते कड़वे हो सकते हैं। अविवाहितों के जीवन में आज प्रेम का प्रवेश हो सकता है। रिश्तेदारों से संबंध सुधारने के लिए आज का दिन अनुकूल है। पारिवारिक जीवन यथावत रहेगा। आज आपका दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आज आपकी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आज आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब का बुलावा आ सकता है। आप सबको अपनी बातों से इंप्रेस करने में सफल रहेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं वो आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में बतौर अतिथि जा सकते हैं। वहां आपका खूब मान सम्मान होगा। कुछ नए लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। छात्रों का दिन भी अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही उत्साहित रहेंगे। माता सरस्वती को फूल अर्पित करें, आपकी पढ़ाई अच्छी बनी रहेगी। आज आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का हल खुद ही ढूंढ लेंगे और बहुत ही सरलता से करेंगे। आर्थिक संबंध में अतीत के प्रयास सफल देंगे। आपकी सेहत में भी सुधार होगा। नई नौकरी से जुड़ी खबर मिल सकती है। किसी की तरक्की से आपको जलन हो सकती है। अपने ही लोगों से आपका विवाद आज संभव है। किसी खास मामले में अनुभवी लोगों से कोई अच्छी राय मिलेगी। कोई भी जोखिम भरा कार्य आज आप ना करें। आज अगर आप संगीत के क्षेत्र से हैं तो वाद्य यंत्रों की पूजा जरूर करें। आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता एवं समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने वरिष्ठों से लाभ प्राप्त करेंगे और व्यावसायिक रूप से आपकी स्थिति और स्थिर हो सकती है। आपकी कमाई बढ़ेगी और आपको कई अन्य स्रोतों से लाभ होगा। दूर की यात्रा फलदायी साबित हो सकती है। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और आरामदायक रहेगा और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार रखेंगे। आज आपका दिन शुभ रहने वाला है। मित्रों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर बनेंगे। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन आप करवा सकते हैं। संतान की खुशी बनी रहेगी। संतान को करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आज आपको किसी काम से अच्छा लाभ भी मिल सकता है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो बड़े भाई बहनों की मदद से आपको नौकरी मिल सकती है। आपका काम दूसरों को खुश कर सकता है। श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करें, आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। लव कपल्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनर के प्यार में आपके खर्चे बढ़ेंगे। शादीशुदा कपल भी आर्थिक समस्या को लेकर एक दूसरे संग तकरार करेंगे, लेकिन गुस्सा करने के बजाय आप बाधा को दूर करने का प्रयास करें। मित्रों आज आपका शुभ अंक है 9। शुभ रंग है लाल और मरून। उपाय, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए अपने घर का मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान जो है वो साफ रखें। मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।